सुशील मोदी जी को हवाई अड्डा भी जाने नहीं दिया भाजपा वाले लोगों ने। उनका स्तर बहुत निम्नतम पर पहुंच गया है, अब उस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुधाकर सिंह विवाद में अब एक नेता जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बयान सामने आया है। उनका बयान पहली बार आया है, उन्होंने तमाम मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इसका फैसला महागठबंधन कुनबा लेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी हों या अन्य लोग हों महागठबंधन बैठकर फैसला करेगा। ये तो मीडिया के सामने बताने की चीज नहीं है कि गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है। ललन सिंह ने स्पष्ट किया है कि महागठबंधन के नेता बैठकर इस पर बातचीत करेंगे और फैसला करेंगे कि आखिर सुधाकर सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्या होगी। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई को लेकर जदयू अड़ी हुई है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट कर दिया है, तो इंतजार करना होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अब उपेंद्र कुशवाहा के बयानबाजी से बिहार में क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन ललन सिंह के बयानों को सुनवाते हैं आपको। मामला है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, आरजेडी के नेताओं से पूछिए। आरजेडी का आंतरिक मामला है, आरजेडी सक्षम है अपनी पार्टी को नियंत्रित करने के लिए। अब ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं उनको ना, उनसे हमने कहा कि उनसे जाके पूछिएगा, वो बताएंगे। लालू यादव के कहने पे हो रहा है, सुशील मोदी जो कुछ भी कह सकते हैं। लोग तो ये भी कह रहा है कि अभी आए थे नड्डा साहब तो सुशील मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया, सुशील मोदी जी को हवाई अड्डा भी जाने नहीं दिया भाजपा वाले लोगों ने, सुशील मोदी जी को नड्डा साहब के साथ मंच पर भी बैठने नहीं दिया, तो कौन सी पर प्रतिक्रिया दें? लोग तो ये भी कह रहा है। नीतीश जी को सुधाकर सिंह शिखंडी बोल रहे हैं कि नाइट वॉचमैन है, तो ये आरजेडी का आर्थिक मामला कैसे हुआ? आरजेडी का आर्थिक मामला है, ये गठबंधन का मामला है और गठबंधन की बातें हम प्रेस के माध्यम से और आपके माध्यम से तय नहीं करते। लेकिन जदयू नेता को कहा जा रहा है तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते तो आप सब लिए ना, कहे तो कि हम ये महागठबंधन की बात है, राष्ट्रीय जनता दल की बात है और प्रेस के माध्यम से हम गठबंधन का तय नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे जब हम लोग एनडीए में थे। तो नीतीश जी पर सुशील मोदी ने कहा है कि वो सड़क छाप वाला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब सुशील मोदी जी का जब संस्कार इतना गिर गया कुछ पाने के लिए, तब उन पर क्या प्रतिक्रिया दे? सुशील मोदी जी कुछ पाने की लालसा में उनका स्तर बहुत निम्नतम पर पहुंच गया है, अब उस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। ये कहना इस पर मुख्यमंत्री बदलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386